नमस्कार, आईए एग्जाम 2018 में विंडोज 7 के डेस्कटॉप के बारे में जानेंगे। जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये विंडोज 7 है और इसकी पहचान इस पर राइट क्लिक करने पे प्रॉपर्टीज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको विंडोज 7 डिस्प्ले करता है। इसका बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो अपने को यहाँ दिखाई देगी। आगे अपने जानेंगे डेस्कटॉप के अंदर, तो डेस्कटॉप में जो छोटे छोटे आपको ये आइकन दिखाई दे रहे हैं विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, ये बड़ा योगदान देते हैं किसी भी प्रोग्राम की पहचान करने के लिए। नीचे ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है इसे टास्क बार कहा जाता है, और टास्क बार पे छोटे छोटे जो आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक टूल बार पर होते हैं जिसे क्विक लॉन्च टूल बार कहा जाता है। यहाँ स्टार्ट बटन है जो पूरे प्रोग्राम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, और इसी की सहायता से जितने भी इंस्टॉल प्रोग्राम है आप उसे आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं छोटा सा आइकन, ये आपके हिडन आइकन है, आप इसे अगर शो करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ से शो भी करवा सकते हैं। कस्टमाइज के थ्रू आप इस प्रकार की सेटिंग को देखेंगे कि कौन से जो आइकन है वो आपको चाहिए और उनका बिहेवियर्स आप क्या किस प्रकार से चाहते हैं, कि आप उसे शो एक आइकन के रूप में, एक नोटिफिकेशन के रूप में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि नहीं, आप उसे हाइड करवाना चाहते हैं, या ओनली शो नोटिफिकेशन आपका आना चाहिए। तो इस प्रकार के कंट्रोल जो है आप उसे उपयोग में ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है सॉल्व पीसी इश्यू। इससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन आपको मिलता है और ये अपने को बताता है कि कौन से नए अपडेट आप कर सकते हैं और कौन से प्रोग्राम में किस प्रकार की एरर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे चार्जिंग का इसमें डिस्प्ले किया गया है। फिर आता है नेटवर्क एक्सेस। देखो, इस प्रकार का जो आइकन है ये वाईफाई के लिए डिस्प्ले करता है, खास करके लैपटॉप के ऊपर भी। और यहाँ आप साउंड कंट्रोलर, वॉल्यूम कंट्रोलर है आपका, आगे टाइमर आपको डिस्प्ले कर रखा है, और उसके ठीक बाद आता है डेस्कटॉप। ये एक छोटा सा आइकन यहाँ पे है, ये डेस्कटॉप होता है। जैसे मैंने किसी आइकन को ओपन किया तो डायरेक्टली डेस्कटॉप पे आने के लिए आप इस पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। और उसी प्रकार अगर आप विंडो के साथ डी बटन भी प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली डेस्कटॉप पर आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप डेस्कटॉप पे डायरेक्टली जाने का एक शॉर्टकट आइकन और एक शॉर्टकट कीज भी आपके सामने है जिसके जरिए आप डेस्कटॉप पर आ सकते हैं। आगे अपने जानेंगे, सबसे पहले जिस स्टार्ट बटन के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करते हैं, सिंगल आप जब क्लिक करते हैं तो इस प्रकार के टास्क पैन आपको दिखाई देता है, जो यहाँ फर्स्ट में आपको सर्चिंग, जो सर्चिंग बार है आप इसमें सर्च कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम, किसी भी एप्लीकेशन को, और ऑल प्रोग्राम्स में जितने भी इंस्टॉल प्रोग्राम है वो डिस्प्ले करता है, जो जो प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल है वो आपको दिखाई देगा। इस प्रकार आप सभी प्रोग्राम को डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और ऊपर जो शॉर्ट प्रोग्राम, जो इसको पिन एप्लीकेशन भी कहा जाता है, और इसके थ्रू आप एप्लीकेशन को बढ़ा घटा भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ यूजर नेम जो है वो आपका डिस्प्ले कर रहा है, यूजर नेम के अलावा जो आपका लाइब्रेरी जो फंक्शन है वो भी यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। बेसिक डायरेक्टली शॉर्टकट कुछ प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगी, और यहाँ शट डाउन लिखा हुआ है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं पूर्ण रूप से। और इसमें कुछ और भी ऑप्शन है जिसके बारे में अपने अभी थोड़ा ध्यान देखेंगे। जैसे सबसे पहले हाइबरनेट दे रखा है, स्लीप दे रखा है, रिस्टार्ट दे रखा है, लॉक दे रखा है, लॉग ऑफ दे रखा है, और स्विच यूजर दे रखा है। तो इस प्रकार के आइकन जो है, जैसे 7 हमारे पास ऐसे मेन्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो कम से कम 7 मेनू है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद कर सकते हैं विंडोज 7 के ऊपर। आगे अपने जान रहे हैं इसी के ऊपर अगर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक प्रॉपर्टीज आता है और दूसरा विंडोज ओपन विंडो एक्सप्लोरर के नाम से आता है। जैसे ही आप ओपन विंडो एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो डिस्प्ले करता है, और लाइब्रेरी में 4 चीजें आती है, डॉक्यूमेंट के नाम से, माय म्यूजिक, पिक्चर्स और वीडियोस। ये बाय डिफॉल्ट जो आपका डॉक्यूमेंट होता था, माय डॉक्यूमेंट जो नाम का आपका विंडो एक्सपी में जो फोल्डर था, ये 7 के अंदर लाइब्रेरीज के नाम से डिस्प्ले करता है। तो इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं। और राइट क्लिक करने पर आप भी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो हमारे सामने इस प्रकार के 3 पैनल दिखाई देंगे, टास्क बार की प्रॉपर्टीज, स्टार्ट मेन्यू की प्रॉपर्टीज और टूल बार की प्रॉपर्टीज। देखो, टास्क बार पे आप क्लिक करते हैं तो लॉक द टास्क बार, ये अगर आपने हटा देते हैं या इसको लगाते हैं तो अब आप
अप्लाई करने पर आपके जो टास्क बार है देखो इसके ऊपर आप इसको कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकते, इसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जा सकता या इसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। उसके बाद वापस स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए और यहां से वापस आप टास्क बार पे गए। इस प्रकार आप इसे हटाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि टास्क बार की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, पोजीशन को। देखो जैसे इस साइड में आपका आ गया, आप अपर साइड में भी इसको ले जा सकते हैं, आप इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार जहां आप करना चाहें। आप इस पर टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे तो ये सेम आपको प्रॉपर्टीज और लॉक द टास्क बार आपको डिस्प्ले कर जाएगा। चाहे आप यहां से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं, इसमें टास्क बार पे आते हैं तो आपको ये चीज दिखाई देती है। ऑटो हाइड द टास्क बार पे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखो आपके सामने जो है वो जो टास्क बार थी वो हाइड हो चुकी है और वापस उस पे एरो डाउन करने पे ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले करेगी। इस प्रकार से आप इसे हाइड और अनहाइड दोनों कर सकते हैं। यूज स्मॉल आइकन, देखो स्मॉल आइकन में आप इस पे क्लिक करेंगे तो आइकन बिल्कुल स्मॉल नीचे देगा, जैसे टास्क बार पे आपको दिखाई दे रहा है वैसे दिखाई देगा। यहां से हटाने पे वापस आपको बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो आपको दिखाई देती रहेगी। यहाँ पे टास्क बार लोकेशन ऑन द स्क्रीन, अब देखो बॉटम पे है, लेफ्ट में आप इसे ले जाना चाहते हैं तो ये देखो लेफ्ट साइड में चली जाएगी। इस प्रकार से आप इसे राइट में ले जाना चाहते हैं तो आप इसे राइट में भी ले जा सकते हैं। देखो टास्क बार की पोजिशन चेंज हो रही है, आप उसे टॉप पे ले जाना चाहते हैं तो ये टॉप पे भी डिस्प्ले करेगा। इस प्रकार आप अगर बॉटम में ले जाना चाहते हैं तो ये बॉटम में डिस्प्ले करेगा। इस प्रकार से आप इसे चेंज कर सकते हैं। जो टास्क बार बटन है वो कहता है आप इसमें कंबाइन भी कर सकते हैं, आप अकेले इस प्रकार से डिस्प्ले भी कर सकते हैं। जैसे अकेला उस इस पर क्लिक करें तो उसको डिस्प्ले आए नाम आए, अगर आप चाहें कि इसे आप नहीं आप उसी वापस एलवेज कंबाइन हाइड लेवल लेवल आपका इसमें ना आए इस प्रकार से डिस्प्ले करें। देखो ये दोबारा कुछ परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखें। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने चेंजिंग आ रही है, लेवल के साथ डिस्प्ले आइकन हो रहा है। अगर आप उसे वापस ऐसे कर देंगे तो अकेला आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। इस प्रकार से आगे आप इसे ओके कर देंगे तो आपका ये ऑप्शन शो हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे राइट क्लिक करने प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो सेम आपको जो टास्क बार की प्रॉपर्टीज है वो डिस्प्ले करेगी। यहाँ नोटिफिकेशन एरिया है, कस्टमाइज कर रखा है कि आपको कौन कौन सा नोटिफिकेशन आपको शो करना है, जो हमने यहाँ पे देखा था वो यहाँ नोटिफिकेशन आइकन आपको डिस्प्ले कर रहा है। इस प्रकार आप स्टार्ट मेनू की प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको जो लिंक आइकन है वो किस प्रकार से दिखाई देने चाहिए उनकी सेटिंग्स है आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है कि रिसेंट में आप कम से कम 10 एप्लीकेशन जो है वो एक साथ आप लगा सकते हैं, रिसेंट आपका कितने जंप आइटम करना चाहिए इसे घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, आप अपने तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक आगे इसी में आता है आपका पावर बटन एक्शन। देखो पावर बटन एक्शन का मतलब यहाँ ये है कि आप पावर बटन जैसे भी यूज करेंगे तो ये सारे ऑप्शन जो है वो पावर बटन के साथ में एक्शन करेंगे, जो आपके लैपटॉप या सीपीयू में जो पावर बटन होता है उसी के थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक तरीका होता है। उसके बाद आगे करते हैं टूल बार पे क्लिक, तो चार टूल बार आपको दिखाई दे रही है, एड्रेस बार या क्लिक करने पर आपको डिस्प्ले कर सकता है। जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और आप टूल बार पे आते हैं, टूल बार पे क्लिक करने के बाद एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे तो देखो आपके टास्क बार पे एड्रेस बार दिखाई देगी। इस प्रकार से यहां से एड्रेस बार आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल। उसके बाद एड्रेस बार नहीं चाहते आपको लिंक चाहिए तो आप इस प्रकार से लिंक भी शो कर सकते हैं, जो आपके फेवरेट लिंक होते हैं, जो भी आपने लिंक बना रखा है अपने ब्राउजर के अंदर। यहाँ टेबलेट पिछली इनपुट पैनल जो है जितने भी हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अभी आप कुछ लिखना चाहते हैं इसमें, कुछ भी पैनल में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपना स्पेसिफिक, तो आप इस प्रकार से लिख के इसके अंदर छोड़ सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक उसी प्रकार इसमें आप इसे हटा भी सकते हैं, ये देखो यहाँ नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले कर रहा है, मैं इसी पर हटा देता हूँ। उसके बाद ठीक आगे प्रॉपर्टीज पे दोबारा क्लिक करते हैं और टूल बार पे क्लिक करते हैं, टूल बार पे डेस्कटॉप अगर आप टूल बार बनाना चाहते हैं तो अपने डेस्कटॉप टूल बार भी आप बना सकते हैं। देखो इस प्रकार से यहाँ से आपके जितने भी डेस्कटॉप स्टार्ट पे क्लिक करने पे जो दिखाई दे रहा था वो आपको इस प्रकार से यहाँ भी दिखाई देगा। ये देखो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, एक तरीके से इसका आप यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और मैं इसे हटा देता हूँ। ये था अपना पूरा कंट्रोल एक प्रकार से कि आप किस तरीके से इसका यूज कर सकते हो, कैसे इसका उपयोग आप आसानी से करके इसे सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।